दोस्तों नमस्कार, मैं मन्नू भाई, इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों अगर हॉट सीन को हटा दिया जाए तो गंदी बात सीजन 3 के पहले एपिसोड, दूसरे और तीसरे एपिसोड को देखकर लगता है कि सीजन पर कहानियों पर भी थोड़ा सा काम किया गया है, लेकिन आखिरी फोर्थ एपिसोड को देखकर ऐसा लगता है कि राइटर ने ये क्या चुतियापा लिख दिया है, ये हो क्या रहा है, मतलब इस धरती पर इतने सारे चूतिये लोग एक साथ कैसे एग्जिस्ट हो सकते हैं। मैंने कई बार कहा है कि सस्पेंस क्रिएट करना बड़ा आसान होता है, लेकिन उसे लॉजिक से सेटिस्फाई करना बड़ा मुश्किल होता है, और इस कहानी में सस्पेंस बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के क्रिएट किया गया है, लेकिन लास्ट में ठेंगा दिखा दिया जाता है। खैर दोस्तों बात करते हैं कहानी की, तो कहानी का नाम है हनीमून ऑन व्हील्स। एक स्पेशल टाइप की बस है जिसपे सिर्फ वो अनमैरिड कपल टिकट बुक करते हैं जिन्हें अपना काम करने के लिए शहर भर में कहीं जगह नहीं मिलती। अब सारे अनमैरिड कपल्स के बीच में एक मैरिड कपल अपने किसी दोस्त के कहने पर टिकट बुक कराकर बस में हनीमून मनाने चला आता है। अब दोस्तों पंगा ये होता है कि उस दिन तारीख है 26, और जिन इलाकों से बस गुजर रही होती है वहां के लोगों के मन में डर बैठा हुआ है कि 26 तारीख को गाड़ियां गायब हो जाती हैं। 12 बजे के बाद 26 तारीख लगते ही सभी अपनी अपनी गाड़ियों को कवर कर देते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि कवर कर देने से गाड़ी बच जाएगी। मैंने सोचा पता नहीं कितनी गाड़ियां गायब हो चुकी होंगी, लेकिन पता चलता है कि पिछले 2 सालों में 26 तारीख के दिन 2 बसें गायब हो चुकी हैं। इधर एक अनजान आदमी बस में चढ़ता है और वो बस वालों को इन सब बातों के बारे में बताता है, और इसका कारण बताता है बंजारन सी दिखने वाली एक लड़की को। थोड़ी देर में दोस्तों वही बंजारन सी दिखने वाली लड़की रात की सुनसान अंधेरे में बस में लिफ्ट ले लेती है, और उसकी एक अलग ही कहानी है। 2 साल पहले उसका फियांसी गायब हो गया था, तब से वो हर रात बसों में जा कर उसे ढूंढती रहती है। बड़ी रहस्यमयी सी लगती है वो। अब दोस्तों एक या दो नहीं, कई सारी ऐसी भसूड़ी होती है जिन्हें देखकर लगता है कि जरूर राइटर ने गांजा पीकर इस नॉनसेंस बेसिस पर कहानी को लिखा होगा। लास्ट में एक ट्विस्ट भी आता है, लेकिन उसे जबरदस्ती के सारे चूतियापे का कारण बता दिया जाता है। अब चूंकि कहानी में बताया जा रहा है कि ये सब घटना इस वजह से हो रही थी, इसलिए ना चाहते हुए मानना पड़ता है कि हाँ भाई हो रही होंगी, और काफी सारे सस्पेंस ऐसे ही लटके हुए रह जाते हैं। कुछ सीन तो दोस्तों बहुत ही अजीबोगरीब हैं, जिनका कोई सेंस नहीं बनता। जैसे कि एक सीन में मंथली प्रॉब्लम होने की वजह से पत्नी अपने पति से कुछ भी करने को मना कर देती है, और बस के अंदर वॉशरूम जाने का बोलकर केबिन से बाहर चली जाती है। अब सारा ये समझ नहीं आया कि बस में वॉशरूम था कहाँ पर। खैर बहुत देर तक वो वापस नहीं आती। जब उसका पति उसे ढूंढने बाहर निकलता है तो उसे पता चलता है कि आधी रात को बस में पार्टनर्स चेंज हो जाते हैं। अब वो रोता है, चीखता है, तभी उसे उसकी बीवी किसी गैर मर्द के साथ में पक्का काम करते हुए मिल जाती है। अब हैरानी की बात यह है कि जब पत्नी को मंथली प्रॉब्लम थी तो इतनी जल्दी प्रॉब्लम ठीक कैसे हो गई, और गैर आदमी के साथ सब कुछ हो गया, लेकिन लेडी का कहना है कि उसने चेहरा देखा ही नहीं, वो उसे अपना पति समझ रही थी। कमाल है। खैर दोस्तों ऐसी डरावनी रात में एक डरावने से रिजॉर्ट में, जहां पर डर के मारे सबकी वैसी फटी पड़ी है, और इन पति पत्नी को तीतर खाने का मन कर रहा है, और तीतर मिलता है 5 किलोमीटर दूर दूसरे गांव में। अब कब तीतर आएगा, कब पकेगा, कब खाएंगे, कब अपना एंजॉय शुरू करेंगे, कब सोएंगे, और भाई साहब चल पड़ते हैं तीतर लाने के लिए दूसरे गांव। चौकीदार के बहुत मना करने के बाद भी वो आदमी उसकी बाइक लेकर आधी रात को अनजान जगह पर तीतर लेने चला जाता है, और कोइंसिडेंस की हद देखिए दोस्तों कि बाइक भी उसी जगह खराब होती है जहां पर पता नहीं क्यों एक खूबसूरत सी लड़की ऐसी घनघोर डरावनी रात में दरवाजे खोलकर बांसुरी बजाए जा रही है, और ये आदमी उसकी बांसुरी की आवाज सुनकर उसके पास चला जाता है और किडनैप हो जाता है। उधर रिसोर्ट के बाथरूम में कपल्स नहा रहे होते हैं, पुरानी फिल्मों की तरह खून टपकने लगता है, सारे पैसेंजर वापस भागते हैं और किडनैप हो जाते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि क्या सोचकर इस कहानी को लिखा गया है, सिर्फ हॉट सीन के चक्कर में कुछ भी उठपटंग कहानी चल जाएगी क्या। खैर दोस्तों जब लास्ट में सस्पेंस को रिवील किया जाता है और इन सब का कारण बताया जाता है तो आप अपना सिर पकड़ लोगे। फिर भी कुछ सवालों के जवाब आपको मिलेंगे नहीं, जैसे कि 26 तारीख को ही गाड़ियां गायब क्यों होती हैं? 2 बड़ी बड़ी बसें सवारियों के साथ गायब हो जाती है और उसी इलाके में रखी होने के बावजूद 2 सालों तक पुलिस को पता क्यों नहीं चलता? 2 साल से लोगों को किडनैप करके अभी तक क्यों रखा हुआ है? कब तक रखा जाएगा? कोई लड़की किसी को 2 साल तक हर रात हर बस में जाकर ढूंढने के बारे में सोच भी कैसे सकती है? और रिजॉर्ट के बाथरूम में खून टपक कैसे रहा था? खैर दोस्तों आपने ये एपिसोड नहीं देखा तो अच्छा है, और अगर देखा है तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। नीचे जो ये रेड कलर का सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन दिख रहा है दोनों पर एक क्लिक जरूर कर दीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और देखते रहिए मन्नू भाई।